फ्रेंड्स डिवी स्लैब टारगेट 20 सितंबर। सो देखिए दोस्तों, मैंने चार्ट रखा, चार्ट को स्टडी करते हैं। देखिए 17 सितंबर को मॉर्निंग में गैप अप ओपन हुआ था, राइट। और देखिए डे का हाई भी इसने बनाया कितने का, 5195 को। उसके बाद देखिए शेयर में गिरावट हुई, मार्केट में गिरावट हुई, सेंसेक्स निफ्टी में गिरावट हुई, तो शेयर में गिरावट हुई। बाकी कंपनी स्पेसिफिक ये गिरावट नहीं है, ये मार्केट स्पेसिफिक है। देखिए यहाँ पे रिकवर भी किया है थोड़ा सा दोस्तों, मार्केट का सपोर्ट मिलेगा, तुरंत बाउंस बैक करेगा। पहला टारगेट 5161, उसके बाद ये 5196 और ऊपर का लेवल भी आपको दिखता हुआ मिल जाएगा। दूसरा शेयर है दोस्तों आयसर मोटर, राइट। ये देखिए आयसर मोटर मैंने चार्ट ला रखा है और टारगेट डिस्कस करेंगे इसका 20 सितंबर के लिए, राइट। तो ये देखिए मैंने चार्ट ला रखा है, 17 सितंबर को देखिए मॉर्निंग ओपन हुआ 2889 पे, डे का हाई बनाया 2932, और उसके बाद देखिए क्लोजिंग हुई है 2900 पे। तो अगर देखिए ये जो गिरावट हुई है मार्केट में, गिरावट की वजह से हुई, अगर ये मार्केट में गिरावट ना हुई होती तो ये और ऊपर का लेवल ये दिखाता, यहाँ पे पक्का बाउंस बैक करेगा दोस्तों। पहला टारगेट होना चाहिए आपको 2929 का, 2929 क्रॉस किया तो इसमें और कम से कम आपको 70-80 पॉइंट का लेवल का जंप आपको दिख जाएगा। तो ये लेवल्स दोस्तों आप ध्यान रखिएगा।